आप देख रहे हैं अभी स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी तिवारी। अपने उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पहली खबर से। आपको बता दें पहली खबर उत्तर प्रदेश के बागपत से है। बागपत में मामूली से विवाद में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। उत्तर प्रदेश के बागपत से खबर सामने आ रही है। जनपद बागपत के चपरौली थाना क्षेत्र में मामूली कहासुनी के बाद दो पक्षों में संघर्ष हो गया। दोनों पक्षों में एक दर्जन से ज्यादा लोग जमकर मारपीट और फायरिंग में घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें बड़ौत पुलिस ने सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां पर उनका उपचार चल रहा है, जिनमें से दो लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के लोगों के बीच पहले किसी बात को लेकर गाली गलौज हुई और फिर कहासुनी होने के बाद खूनी संघर्ष में बदल गई। फिलहाल चपरौली थाना पुलिस ने मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। दरअसल पूरा मामला जनपद बागपत के चौकी थाना क्षेत्र टांडा गांव का बताया जा रहा है, जहां मोहन और लोकेंद्र पक्ष के बीच जमकर खूनी संघर्ष और मारपीट हुई। एक पक्ष का आरोप है कि दोनों लोगों के बीच पहले गाली गलौज हुआ और उसके बाद दोनों पक्षों से एक दर्जन के करीब लोग आमने सामने आ गए, जिनमें जमकर लाठी डंडे चले और जमकर फायरिंग हुई। पूरी घटना में आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। वहीं छपरौली पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। टांडा गांव में दो पड़ोसियों में आपस में पानी की नाली के लेकर एक विवाद हुआ था, जिसके पीछे परसों छोटा मोटा झगड़ा हुआ था और आज फिर झगड़ा हुआ है। इनके खिलाफ परसों भी कार्रवाई 151 की गई थी और आज इनके खिलाफ रिपोर्ट लिख के कार्रवाई की जा रही है। तो इन्होंने कहा हमें भाई रोड़ा बिल्कुल नहीं करना, सवेरे आ गए उन्होंने हमारे गेट में गाड़ी दी और कट्टे बंदूक ये जो गोली मारी वहाँ जाकर, पर भाई जा रहा उसमें उसका लट बजाया आज, फिर हम जो इनता भाग के गए। एटा में महाशिवरात्रि को देखते हुए पुलिस प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के एटा से खबर सामने आ रही है। एटा शहर में महाशिवरात्रि पर्व को देखते हुए कहीं भी जाम जैसी स्थिति ना पैदा हो, इसीलिए जनपद के पुलिस प्रशासन मुखिया पुलिस कप्तान सुनील कुमार ने खुद इसका बीड़ा उठाया है। शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त और सुचारू रूप से बने रहने के लिए आज शहर के मेन चौराहे पर खुद जिले के पुलिस प्रशासन मुखिया सुनील कुमार सिंह ने मोर्चा को संभाला, जिसके कारण कांवर लेकर आ रहे शिव भक्तों को किसी भी रूप से कोई परेशानी ना हो, इसका बीड़ा हमारे कप्तान साहब ने स्वयं ही उठाया। इसके कारण यातायात व्यवस्था अच्छे से चल रही है। वहीं मौके पर मौजूद TSI बचान सिंह, नगर कोतवाली प्रभारी पंकज कुमार मिश्रा, LIU इंस्पेक्टर अजय त्रिपाठी, अतुल गौतम सहित भारी मात्रा में पुलिस प्रशासन मौजूद रहा। स्थानों पर सभी प्रमुख चौराहों पर भीड़ भाड़ वाली जगहों में यातायात पुलिस के कर्मियों के अलावा जो सिविल पुलिस के सब इंस्पेक्टर और महिला पुरुष कांस्टेबल हैं, ये सभी को नियुक्त किया गया है। तमाम अधिकारी मजिस्ट्रेट के साथ लगातार भ्रमण कर रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि कांवड़ियों को किसी तरह की कोई असुविधा भी ना हो और जो सामान्य यात्री हैं उनको भी यातायात व्यवस्था में अपने गंतव्य तक जाने में किसी तरह की कोई कठिनाई ना हो। गंगे च यमुने संरक्षण यात्रा पहुंची बागपत। उत्तर प्रदेश के बागपत से खबर सामने आ रही है। बागपत में बुधवार को गंगे च यमुने प्रकृति संरक्षण यात्रा बागपत पहुंची, जहां यात्रा को नगरपालिका बड़ौत चेयरमैन अमित राणा और कस्बावासियों ने जोरदार स्वागत किया। इस यात्रा के दौरान युवाओं ने हाथों में भगवा झंडा लेकर मोटरसाइकिल रैली भी निकाली। यात्रा के दौरान जगह जगह पौधारोपण भी किया गया और प्रकृति के बारे में भी लोगों को जागरूक किया गया। यात्रा संयोजक मनोज बिश्नोई ने बताया कि यह गंगा यात्रा शुक्र तीर्थ नरोरा हथनी कुंड से चलकर 867.5 किलोमीटर का सफर तय करेगी। यात्रा का जगह जगह फूलमालाओं के साथ भव्य स्वागत किया जा रहा है। यात्रा बड़ौत बागपत केकड़ा कोतवाली होते हुए बालाजी धाम हुंडा हेड़ा पहुंचेगी। यात्रा के दौरान सैकड़ों महिलाओं ने कस्बा बड़ौत दिल्ली बस स्टैंड चौराहे से शहीद पार्क तक कलश यात्रा भी निकाली, जिसके बाद यात्रा का दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर तुलसी गार्डन में ठहराव कराया गया। क्या किया गया? अपने संघ परिवार की तरफ से गंगा च यमुना पर्यावरण संरक्षण यात्रा चल रही है, जिसका कल छपरौली में इसका आगमन हुआ था, आज छपरौली से चल के रात्रि विश्राम बागपत में होगा। तो बड़ौत कस्बे में बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है और पर्यावरण के पोलोथीन पहन करो, पर्यावरण पेड़ पौधे लगाओ, उसका प्रचार किया जा रहा है। एटा में जिलाधिकारी ने एक क्लिनिक को कर दिया सीज।
उत्तर प्रदेश के एटा से खबर सामने आ रही है। एटा से जिलाधिकारी ने अनियमितताओं के मिलने पर एक क्लिनिक को सीज कर दिया। एटा शहर के कोतवाली नगर के जीटी रोड संचालित क्लिनिक को जिलाधिकारी डॉक्टर विभा चहल ने डॉक्टर मनोज भारद्वाज के क्लिनिक पर पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। डीएम ने निरीक्षण के दौरान पाया कि क्लिनिक पर चिकित्सक डॉक्टर मनोज भारद्वाज उपस्थित नहीं थे। एक अन्य व्यक्ति क्लिनिक पर उपस्थित था, एक महिला क्लिनिक पर भर्ती थी जिसके डीएनएस लगाई जा रही थी। मरीज के साथ एक अन्य बालिका भी मौजूद थी। जानकारी के दौरान मरीज ने बताया कि उसे बुखार है, साथ ही बताया कि मरीज का पर्चा और दी गई दवाओं को चेक किया। पैथोलॉजी रिपोर्ट देखने पर पाया गया कि अवैध रूप से पैथोलॉजी संचालित की जा रही है जिस पर किसी भी चिकित्सक का नाम अंकित नहीं है। मरीज द्वारा बताया गया कि उनका ब्लड सैंपल क्लिनिक पर ही लिया गया है जिसके बाद रिपोर्ट उपलब्ध कराई गई है। निरीक्षण के कुछ देर बाद चिकित्सक डॉक्टर मनोज भारद्वाज उपस्थित हुए। क्लिनिक पर उनके द्वारा कोई भी पंजीकरण संख्या चस्पा नहीं की गई, वे अपनी डिग्री भी नहीं दिखा सके। उनके पास सिर्फ एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिला और जब डीएम ने चिकित्सक से पूछताछ के दौरान इलाज के संबंध में चिकित्सक से जानकारी ली गई तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। मरीज को बुखार के बावजूद उसका कोविड टेस्ट नहीं किया गया और सीधे तौर पर उसका इलाज किया जा रहा था। मरीज की केस स्टडी और एग्जामिनेशन भी नहीं किया गया। डीएम ने उक्त स्थिति को गंभीरता से लेते हुए क्लिनिक पर अनियमितताएं पाए जाने और चिकित्सक द्वारा डिग्री की स्थिति स्पष्ट न किए जाने पर क्लिनिक को तत्काल प्रभाव से सीज कराने की कार्यवाही की। आज मेरे द्वारा बाहर औचक निरीक्षण पे जब मैं गई तो मैंने एक क्लिनिक देखा, वहां पर एक महिला लेटी हुई थी। मैं उस क्लिनिक में गई उस महिला का हालचाल जानने के लिए कि वो अकेले वहां कैसे लेटी हुई है। तो मैंने देखा उसको एक आईवी लाइन लगी हुई है और पता चला कि आईवी लाइन एक वहीं के वार्ड बॉय ने लगाई है। वार्ड बॉय जो है ट्रेन नहीं था। मेरे द्वारा जब डॉक्टर को बुलाकर पूछा गया तो वो बीएमएस के डॉक्टर थे जो वो लाइन नहीं लगा सकते हैं और लाइन लगाने वाला भी वार्ड बॉय था। उनकी कुछ मेडिसिन जो थी जो उन्होंने प्रिस्क्राइब की थी वो भी वो बीएमएस के डॉक्टर हैं तो वो प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते थे और जो भी उन्होंने प्रिस्क्राइब किया था वो मेडिसिन भी गलत प्रिस्क्राइब की गई थी, वो सही इलाज नहीं था। फिरोजाबाद में जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से खबर सामने आ रही है। फिरोजाबाद जिले में जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। इसी विवाद में एक युवक गोली लगने से घायल हो गया जिसे परिजन इलाज के लिए अस्पताल लेकर आए जहां डॉक्टरों ने उसे प्राथमिक उपचार देने के बाद मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। घटना थाना नगला खंगर क्षेत्र के गाँव उरावर की है जहाँ निवासी मोनू कुमार दिल्ली में रहकर बीएससी कर रहा है। घायल के भाई सत्येंद्र ने बताया कि उसका परिवार दिल्ली में ही रहता है और गांव में जमीन को लेकर परिवार के ही चाचा से विगत 20 साल से विवाद चल रहा है। उसका आरोप है कि आज वह अपने छोटे भाई मोनू के साथ खेत पर गया था तभी उसके चाचा ने फायरिंग कर दी जिससे एक गोली मोनू की दाहिनी कांख में लगी और कंधे के पीछे से निकल गई। गोली लगते ही मोनू खून से लथपथ हो गया जिसके बाद सत्येंद्र अपने घायल भाई को स्कूटी पर ही बैठाकर सीधे अस्पताल लाया जहां इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर ने परीक्षण के बाद उसे फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। इस संबंध में सीओ इंदु प्रभा का कहना है कि मामला संज्ञान में आया है, प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध लग रहा है, तहरीर मिलने पर मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। जवान ने हमारे राइफल निकाल ली मारने के लिए, हमने विरोध किया, उन्होंने फायर कर दिया और पता नहीं कहां से गोली लगी उनके पेट में। ये आपके भाई को किसने गोली मारी है? ये नहीं देख पाया हमने किसने मारी। ये तो बाइक पे थे भैया। कौन है रास्ते में ये आपकी गोली चला? ये हमारे भाई है और भाई साथ में थे उनके। तो हम लोगों ने एग्जामिन किया तो देखा उनके राइट साइड में बगल में एक्सिलरी रीजन से एक घाव था और एक पीछे की तरफ था, तो समझते हैं हो सकता है वो ही बता रहे थे कि फायर हुआ था। हम लोगों ने इलाज किया, इलाज के बाद में आगे के इलाज के लिए जिला अस्पताल फिरोजाबाद के लिए रेफर। फिरोजाबाद पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से खबर सामने आ रही है। आपको बता दें फिरोजाबाद के थाना शिकोहाबाद के नगला सेदलाल गांव की पूरी घटना है। फिरोजाबाद में कल बच्ची की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। प्रेमी के प्यार में असफल होने पर प्रेमी को फंसाने को प्रेमिका ने छोटी बहन का गला दबाकर हत्या कर दी थी। हत्या कर दीवारों पर प्रेमी के नाम के पर्चे लगवाए प्रेमिका ने। सौतेली बहन ने ही मासूम की गला दबाकर हत्या की थी। हिमांशी की हत्या कर तालाब में उसका शव फेंक दिया गया। पुलिस की पूछताछ में सुनीता ने पूरा जुर्म कबूला। उसकी सौतेली बहन पे शक की सुइयां घूमी थी क्योंकि उसके खिलाफ़ कुछ सबूत मिले थे। उसके बाद तमाम लोगों से पूछताछ हुई,
सौतेली बहन से भी लगातार काफ़ी पूछताछ हुई। उसके बाद सौतेली बहन यानी सुनीता की निशानदेही पर उस 6 वर्ष की बच्ची की डेड बॉडी को उसके घर के पास के तालाब से बरामद कर लिया गया। पूछताछ में सुनीता ने बताया कि उसका पवन तोमर से प्रेम प्रसंग चल रहा था, उसी से शादी करना चाहती थी, परंतु पवन तोमर पहले से विवाहित था, उसकी 2 बच्चियां हैं, इसके कारण वह शादी से इनकार कर रहा। फिरोजाबाद में एक युवक ने कार से निकलकर पुशअप्स लगाए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से खबर सामने आ रही है। फिरोजाबाद के थाना जसराना इलाके के गांव फरीदा मिलावली के रहने वाले उज्ज्वल यादव ने कार में ड्राइविंग करते हुए ड्राइविंग सीट से निकलकर गाड़ी के ऊपर पुशअप्स करते हुए वीडियो वायरल कर दिया। दूसरे वीडियो में गाड़ी की छत पर बैठा है, जबकि गाड़ी में ड्राइवर भी नहीं है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया है। पुलिस ने फिलहाल इसको गंभीरता से संज्ञान में लिया है। ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर रामबाबू गौतम का कहना है कि इस नंबर की गाड़ी का चालान वीडियो के आधार पर कर दिया है। गौरतलब है कि यह गाड़ी सपा के नेता कृष्ण मुरारी यादव की है, जो जसराना इलाके के गांव फरीदा मेलावली में रहते हैं, और यह उनका पुत्र गाड़ी चला रहा था। फिलहाल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने इस मामले को बड़ी गंभीरता से लिया है और ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर ने इसका चालान काट दिया है। लेकिन एसएसपी का यह कहना है कि गाड़ी के मालिक और उसके पुत्र को बुलाकर समझाया जाएगा। जो अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी पर अकेले सवार दिखाई दे रहा है और वो उसकी खिड़की खोल करके उसके छत पे जा करके पुशअप करता हुआ दिख रहा है। उन्हें जानकारी किया तो ये हाईवे का है और इसमें हमारे ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर ने एमबी एक्ट की सुसंगत धाराओं में उसका चालान किया है। करीब 2500 रुपये से के आसपास उसका चालान हुआ है। साथ ही साथ उस लड़के को और उसके पिता को बुलवाया भी गया है, ताकि ऐसे लोगों को ताइद किया। देवरिया में राकेश टिकैत ने किसान नेताओं का किया स्वागत। उत्तर प्रदेश के देवरिया से खबर सामने आ रही है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत देवरिया पहुंचे, जहां किसान नेताओं ने सुभाष चौक पर माल्यार्पण कर स्वागत किया। वहीं टिकैत ने कहा कि पूरी दुनिया में चर्चा होगी, हर जगह कानून बन गए, यहाँ नहीं बने, यहाँ आंदोलन चलता रहेगा, रोटी को बाजार की वस्तु नहीं बनने देंगे। उन्होंने कहा कि किसानों को एमएसपी नहीं मिले या बिल जब तक वापस नहीं होंगे, आंदोलन हमारा जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि हमारा तो आंदोलन 73 देशों में है, पहले से पिछले 20 साल से हम काम कर रहे हैं। पूरी दुनिया में आंदोलन इसीलिए हो रहा है कि हमारा संगठन वहां पिछले 20 साल से है। पूरी दुनिया के किसान की लड़ाई लड़ रहे हैं, भूख पर व्यापार नहीं होगा, रोटी को बाजार की वस्तु नहीं बनने देंगे। ये फिलहाल आपसी में हुई आंदोलन जारी है। एक सवाल और सर है कि जो है फ्रांस में कनाडा में भी किसान है, उनकी भी बहुत समस्याएं हैं, जो है उनकी किसान आंदोलन 73 देशों में है ना, पहले से पिछले 20 साल से हम काम कर रहे हैं, और ये पूरी दुनिया में आंदोलन इसलिए खड़ा हो रहा है कि हमारा संगठन वहाँ पिछले 20 साल से है। पूरी दुनिया के किसान की लड़ाई है कि भूख पे पूरी दुनिया में व्यापार नहीं होगा। ये फिर वापसी में हुई आंदोलन जारी रहे। एक सवाल और सर है कि जो है फ्रांस में कनाडा में भी किसान है, उनकी भी बहुत समस्याएं हैं, क्या राकेश टिकैत जो है उनकी किसान समस्याओं लेकर बैठे? हमारा आंदोलन 73 देशों में है ना, पहले से पिछले 20 साल से हम काम कर रहे हैं, और ये पूरी दुनिया में आंदोलन इसलिए खड़ा हो रहा है कि हमारा संगठन वहाँ पिछले 20 साल। लखनऊ में बिजनेसमैन के यहाँ डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, लखनऊ अलीगंज में बड़ी डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया है। सरयाम अलीगंज के पौश इलाके में डकैती की वारदात को अंजाम दे दिया गया। घर के अंदर घुसकर डकैतों ने लूटपाट की। डकैतों ने घर में तैनात गार्ड को मारने पीटने के बाद बाथरूम में उसे बंद कर दिया। बड़े बिजनेसमैन के यहाँ डकैती की वारदात को डकैतों ने अंजाम दे दिया। आपको बता दें कि सिंथो फार्मा कंपनी के मालिक के घर डकैती हुई है। हमारा पुराना नौकर पहुंचा कि साहब मुझे अंदर नहीं घुसने दे रहा, घंटी भी बजा रहा हूँ कोई, और चौकीदार चीख रहा है। वो चौकीदार को बाथरूम में टॉयलेट में बंद कर दिया बाहर से, और तब वो कैश वगैरह लेकर क्या लेके गए? लगभग 9 लाख रुपए। 9 लाख। ज्वेलरी के बारे में भी बात सामने है कि बड़ी ज्वेलरी? ज्वेलरी नहीं ले गए हैं, शायद थोड़ी सी ले गए हैं जो घर की होती है, पहनने की चूड़ी वगैरह। हमारा पुराना नौकर पहुंचा कि साहब करंट लग गया, मुझे अंदर नहीं घुसने दे रहा, घंटी भी बजा रहा हूँ कोई, और चौकीदार चीख रहा है।
तो जो लोग आए थे 5-7 लोग, उसमें से 2 लोग अंदर घुसने की कोशिश की, तोड़ के दरवाजे, सब ये दरवाजे टूटा हुआ आपने देखा ही, और बाकी लोगों ने उस चौकीदार को बाथरूम में टॉयलेट में बंद कर दिया बाहर से। गोंडा में आपको बता दें लेखपाल का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हो गया। उत्तर प्रदेश के गोंडा से खबर सामने आ रही है। गोंडा में योगी सरकार के जीरो टॉलरेंस नीति की धज्जियां उड़ रही हैं। जनपद गोंडा के लेखपालों का रिश्वत लेने का करवा लगातार बरकरार है। काम के नाम पर लगातार वसूली चल रही है। लेखपाल से बने वसूली बाइक धड़ल्ले से रिश्वत लेते जा रहे हैं। लेखपाल का रिश्वत लेते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि लेखपाल बड़े ही खुशी के साथ रिश्वत लेता हुआ दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि रिश्वत लेता हुआ लेखपाल तहसील मनकापुर क्षेत्र में तैनात है। गोंडा में स्वास्थ्य विभाग की धज्जियां उड़ते हुए दिखाई दे रही हैं। उत्तर प्रदेश के गोंडा से खबर सामने आ रही है, जहां सोशल मीडिया पर सरकार के दावे और स्वास्थ्य विभाग की जमीनी हकीकत की धज्जियां उड़ाते एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। करोड़ों रुपए खर्चा होने के बाद भी जमीन पर नारी शक्ति तड़पती रही। जी हाँ, कहने को तो सरकारें महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा और उनको बेहतर सुविधाएं देने की बात करती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इससे कोसों दूर है। कुछ ऐसा ही गोंडा जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छपिया में सरकारी डॉक्टरों की घोर लापरवाही का मामला सामने आया है। जहां एक ओर पूरा विश्व और भारत देश अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहा था, वहीं इसके ठीक 12 घंटे बाद ही धरती के भगवान यानी डॉक्टरों ने संवेदनहीनता का परिचय दे दिया। छपिया ब्लॉक मुख्यालय पर स्थित सरकारी अस्पताल में नसबंदी के लिए लाई गई 7 महिलाओं को जमीन पर ही लिटा दिया गया। जहां एक ओर परिवार नियोजन पर सरकार करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रही है, वहीं मातहतों ने लापरवाही भरा रवैया अपनाया और महिलाओं को जमीन पर लेटाकर नसबंदी कराई जा रही है। लापरवाही का आलम यह रहा कि नसबंदी के बाद महिलाओं को उसी हालत में जमीन पर लिटा दिया गया और उनके तीमारदारों के कहने के बावजूद भी उनको बेड मुहैया नहीं कराया गया। वहीं पूरे मामले पर जिलाधिकारी मार्कंडेय शाही का कहना है कि इस पूरे घटना को लेकर स्वास्थ्य विभाग को जांच सौंपी गई है। जांच के बाद संबंधित खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। संज्ञान में लाया गया है कि ऑपरेशन के बाद से फिर महिलाओं को जमीन पे लिटा दिया गया था, इसका संज्ञान लिया गया है और टीम भेज करके इसकी जाँच कराई जा रही है। कासगंज में धूमधाम के साथ महाशिवरात्रि मनाई जा रही है। उत्तर प्रदेश के कासगंज से खबर सामने आ रही है। पूरे देश में शिवरात्रि धूमधाम से मनाई जा रही है, साथ ही कासगंज जिले में भी बड़े हर्षोल्लास के साथ आस्था का पर्व महाशिवरात्रि मनाया जा रहा है। कासगंज के भूतेश्वर मंदिर पर भोले के भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। हर हर महादेव भोले के जयकारों से शिवालय गूंज रहे हैं। देवाधिदेव की आराधना का महाशिवरात्रि विशेष पर्व है। भक्तों ने कांवर में जल भरकर शिवालय पर जलाभिषेक किया। भगवान भोले के प्रिय फल बेर, बालपत्र, भांग और दतूरे उन्हें चढ़ाए। फरुखाबाद में दबंगों ने घर में घुसकर एक महिला की पिटाई की। उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद से खबर सामने आ रही है। फरुखाबाद की थाना जहानगंज क्षेत्र के बंथल शाहपुर में दबंगों ने मामूली विवाद पर घर में घुसकर महिला को लाठी डंडों से पीटा। बच्चों के विवाद में परिजन दबंगों के घर शिकायत करने गए थे। शिकायत करने पर दबंगों ने शिकायतकर्ता को घर में पीटा। दबंगों ने घर पर आकर महिला के साथ छेड़छाड़ कर मारपीट भी की। मारपीट से महिला सहित 2 लोग घायल हो गए। दोनों घायलों को CHC में भर्ती कराया गया है। सर पे चोट लगी है, कैटेगरी है। तो बच्चे जो है खेल रहे थे आपस में क्रिकेट, तो क्रिकेट के पीछे जो है कहीं थोड़ा उत्कास नहीं हुई, तो ये लोग आए, हमारे बहन हमारी अकेली थी, छेड़छाड़ करी और बदतमीजी दी और लाठी डंडों ने हमला करा। आगरा कानपुर हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 9 लोगों की मौत हुई है और 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के आगरा से खबर सामने आ रही है, जहां पर आगरा कानपुर हाईवे पर गुरुवार तड़के भीषण सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। एतमाउद्दौला इलाके में यह हादसा उस वक्त हुआ जब झारखंड नंबर की एक स्कॉर्पियो कंटेनर में जा घुसे। हादसा इतना भीषण था कि स्कॉर्पियो सवार 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।
टकराने के बाद जोरदार आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। वहीं हादसे की सूचना पुलिस को दी गई। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से स्कॉर्पियो में फंसे लोगों को बाहर निकाला। चार लोगों की सांसें चल रही थी, उन्हें गंभीर हालत में SN इमरजेंसी में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक प्रथम दृष्टया ड्राइवर को जब्त किए जाने की वजह से हादसा होने की आशंका है। वही स्कॉर्पियो का नंबर JH13D5029 है। अभी तक मृतकों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। डिवाइडर को क्रॉस करके दूसरी साइड आई है, ट्रॉला से टकराई है। उसमें 12 लोग थे जिनको शिफ्ट किया गया हॉस्पिटल। वहां कुल 9 लोगों की अभी तक डेथ हो गई है, 3 लोगों का इलाज चल रहा है। यहाँ जो है रेस्क्यू करा लिया गया है, गाड़ियों को हटा दिया गया है, ट्रैफिक नॉर्मल करा लिया गया है। जो इंजर्ड हैं उनकी जो है मेडिकल एड के लिए SN मेडिकल कॉलेज से कोऑर्डिनेट कर लिया गया है, और जो इनके परिवारजन हैं उनको जानकारी दी जा रही है ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। एरिया में इतमादौला क्षेत्र के नुनिया एरिया में एक स्कॉर्पियो और एक ट्रक के बीच में भिड़ंत जो है वो हुई, एक्सीडेंट हुआ है। ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों जा रहे थे, उसी में एक्सीडेंट हुआ है। स्कॉर्पियो का नियंत्रण खोके वो डिवाइडर क्रॉस करके इस तरफ आई। बाराबंकी के महादेव रुद्रेश्वर धाम में श्रद्धालुओं का लगा तांता। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से खबर है। बाराबंकी में रानगर के लोधेश्वर महादेव धाम का पूरा मामला है। पौराणिक तीर्थ स्थल लोधेश्वर महादेव धाम में कांवरिया और श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। मेले की सुरक्षा व्यवस्था में पूरा पुलिस प्रशासन जुटा हुआ है। वही रेलवे क्रॉसिंग केसरीपुर महादेवा गेट के पास मेले की सुरक्षा व्यवस्था को यथास्थित बनाए रखने के लिए प्रशासन सख्त हो गया है। मेले को चाक चौबंद करने में प्रशासन जुटा हुआ है। चप्पे चप्पे पर मेले की सुरक्षा व्यवस्था पर निगरानी की जा रही है। वही मेले में भारी संख्या में श्रद्धालु और कांवरियां पहुंच रहे हैं। अपना उत्तर प्रदेश में अभी के लिए इतना ही। फिलहाल देखते रहिए ABC स्टार न्यूज। नमस्कार।